मनपा में लंबे समय से चल रही आर्थिक बदहाली के बावजूद अधिकारियों और पदाधिकारियों को मोबाइल सेवा देने पर 50 लाख का खर्चा किया जाएगा। मंगलवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को हरी झंडी देने की जानकारी सभापति प्रकाश भोयर ने दी। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कामकाज को लेकर एक दूसरे के संपर्क करने के लिए मनपा की ओर से सिम कार्ड मुहैया कराया गया है। आयोग द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार पोर्टल द्वारा टेंडर मंगाया गया था। लगातार 3 बार टेंडर मंगाए जाने के बावजूद केवल एक ही कंपनी ने टेंडर भरा था, जिससे उसे मंजूरी देने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। प्रस्ताव के अनुसार 200 मोबाइल पर प्रति माह का किराया, इसके अलावा इंटरनेट की भी सुविधा दी जाएगी, जबकि 85 मोबाइल का केवल प्रति माह का किराया अदा किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार जहां एक दूसरे से संपर्क के लिए मोबाइल सेवा ली जा रही है, वहीं दूसरी ओर अन्य कार्यालयीन कामकाज में आवश्यक गतिविधियों के लिए 135 डेटा कार्ड की भी सुविधा ली जा रही है। 75 डेटा कार्ड में कुछ हाई स्पीड डोंगल लिए जाएंगे, जबकि बायोमेट्रिक मशीन के लिए आवश्यक इंटरनेट के लिए 60 डेटा कार्ड अलग से लिए जाएंगे। आज स्टँडिंग कमिटीची बैठक झाली। बैठकीमध्ये 3 विषय चर्चा करण्यात आले आणि तिन्ही विषयाला मंजुरी देण्यात आली। एक, जे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत त्यांचे जे मोबाईल्स आहेत त्या मोबाईल संबंधीचा विषय होता, त्यांच्या रेट संबंधीचे विषय होते आणि ते फक्त मंजूरच करण्याची गरज होती, तो विषय मंजूर झाला। त्याचप्रमाणे नागपूर शहरात हॉटमिक्सचा एक सब्जेक्ट होता, 1,99,000 त्याची फक्त प्रशासकीय मंजुरी होती, प्रशासकीय मंजुरी करताच ते आलं होतं आणि प्रशासकीय ती मंजुरी देण्यात आली। नागपूर शहरात आता सध्याच्या परिस्थितीत फार पावसाळा असतो आणि पावसाळ्यामध्ये चांगले चांगले रस्तेसुद्धा खराब होत असतात आणि त्यामुळे त्या हॉटमिक्सच्या याला आपण आज परवानगी दिली। त्याचप्रमाणे बगीचाच्या लगत STP प्लांट असे 12 ठिकाणी आपण नवीन एक प्रोजेक्ट नागपूर शहरात करतो आहे, तर ते STP प्लांट बनवून तिथूनच त्या तिथून पाणी घ्यायचं, ते शुद्धीकरण करून ते बगीचांना द्यायचं आणि त्या माध्यमातून दुसरं कोणतंही पाणी न वापरता जे गढूळ पाणी आहे किंवा नाल्याने वाहत असलेलं पाणी आहे त्या तिथेच त्याचं शुद्धीकरण करून ते यांना द्यायचं, बगीचाला द्यायचं, हा या विषयाबाबत आम्ही मंजुरी देण्यात आली आहे। त्यानंतरही अनेक विषय चर्चेला आलेत आणि त्या विषय चर्चेला आल्यानंतर आपल्याला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।